यार मेरा वेट लॉस ना गर्मियों में हुआ नहीं है, क्योंकि गर्मियों में मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा। मुझे फैमिली ट्रिप्स पे जाना पड़ा, मनाली, देहरादून, नैनीताल, और मेरे बहुत सारे ट्रैवल्स हुए हैं। और खाना भी बहुत सारा ऐसा था कि मैंने बड़े सारे आम खा लिए, बड़ी सारी लीचियाँ खा ली, और मैंने बहुत ज़्यादा ना जंक खाया बाहर का। कोई बहाना था या कोई भी चीज़ थी, बट मेरा वेट लॉस नहीं हुआ। फिर आ गए त्यौहार, सारे के सारे फेस्टिवल्स आ गया। फेस्टिवल आए हैं तो यार फेस्टिवल में कौन डाइट करता है, नहीं इतने सारे फेस्टिवल, गिनती के 4 दिन के फेस्टिवल्स होते हैं, बट 2 महीने तो या 1.5 महीना तो निकल ही जाता है ना फेस्टिवल में। अब सर्दियाँ शुरू हुई हैं, अब मैं डाइट करूँगी, और अब मैं न्यू ईयर तक अपने आप को ऐसे ऐसे पतला करके छोड़ूंगी, और देखना मैं कितना तगड़ा वेट लॉस करूँगी। यार उसकी शादी आ रही है जनवरी में, मुझे वेट कम करना है, मुझे तो लहंगा पहनना है, और मुझे वेट कम करके ना अपनी बिल्कुल बढ़िया सी फ़ोटोज़ क्लिक करा के इंस्टाग्राम पे डालनी है। यार फरवरी में ना मेरे को जाना है, बहुत अच्छा ट्रैवल है, मुझे मार्च में लड़के वाले देखने आएंगे, मुझे जल्दी जल्दी वेट कम करना है। ऐसे बहाने अगर आप लोगों के साथ चलते हैं, या आप लोगों के आसपास के लोग इस तरीके के टैंट्रम्स और ड्रामेबाजी करते हैं कि वेट कम करना है किसी एक स्पेसिफिक रीजंस की वजह से, ना कि इस रीज़न की वजह से कि आपको हेल्दी रहना है या आपको फिट रहना है, वेट कम करना, डाइट चालू करना, जब ये बात आ जाती है ना तब बंदा करता है टेम्परेरी काम। जब बात ये आती है कि हमें अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है और हमें आगे जाके अपने उसी लाइफस्टाइल को कैरी करके हमेशा पतला रहना है, फिट रहना है, हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक हैं, तब जाके बात आती है कि यस हम किसी के थर्ड चीज़ों के या थर्ड रीज़न के ऊपर डिपेंड नहीं है हमारी फिटनेस को लेके या हमारी चीज़ों को लेकर। किसी की शादी है, वज़न कम करना है, त्यौहार ख़त्म हो गए, न्यू ईयर तक वेट कम कर लेंगे, या फिर किसी मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मेरे पास है मेरे मेंबर्स ऐसे काफ़ी सारे, मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मुझे जल्दी वेट कम करना है, मेरा रोका है, मुझे जल्दी वेट कम करना है, या फिर मेरा कहीं ट्रैवल है बहुत बड़ा, मेरा कोई ट्रिप है अच्छा खासा बाहर पेरिस यूरोप का, तो मुझे तब वेट कम करना है। मान लो वो सब चीज़ें निपट गई, हो गई, उसके बाद डबल वेट गेन करके ये लोग वापस आते हैं। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ विंटर्स का वेट लॉस का डाइट, जिस डाइट को इजी है फॉलो करना, लो बजट डाइट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि महंगी डाइट सोच के ना कि वेट लॉस सिर्फ महंगी चीज़ों से होता है। वेट लॉस करने के लिए आपको काजू, बादाम, अखरोट, अंजीर, या फिर बोले तो बड़े महंगे महंगे एग्जॉटिक वेजिटेबल्स होती हैं, जुकिनी, ब्रोकलीज, मशरूम्स, इन सब से ही वेट कम किया जा सकता है। ऐसा कतई नहीं है यार, वेट कम तो ना आलू प्याज टमाटर से भी कोई भी सिंपल सा बंदा कर सकता है, घर की नॉर्मल रोटी सब्जी खा के, थोड़ा सा उसको अपना दिमाग चलाना होता है। मैं विंटर्स में बहुत सारी ऐसी डाइट्स लेके आऊंगी अभी इन्हीं कुछ महीनों के अंदर, जिसकी हेल्प से आपका वेट कम तो होगा, साथ में आपका ग्लो अच्छा होगा स्किन का, साथ में आपके बाल अच्छे होंगे। सर्दियों का सबसे 3 चीज़ें मुझे बड़ी बेस्ट लगती हैं। पहली चीज़, दिन छोटे होते हैं तो डाइट करना बड़ा आसान होता है, दिन यूँ कट जाता है। दूसरी चीज़ जो होती है, रातें बड़ी होती हैं तो नींद पूरी होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। मान लो 12 बजे भी सोए और 6 बजे भी उठ गए, तब भी रात इतनी लंबी है कि ईजिली आपकी थकावट जो है वो उतर जाती है। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है विंटर्स की, पालक साग, बथुआ, मेथी, इतनी ज़्यादा हरी सब्जियाँ और इतनी ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं ना सब्जी मंडी में। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो जैसे मैं हूँ, मैं सुबह 7-7:30 बजे एवरी ऑल्टरनेट डे रनिंग के लिए जब जाती हूँ, तब मैं आते हुए सब्जी मंडी से ग्रीन जितनी वेजिटेबल्स मिलती है सब पिक करके लाती हूँ। विंटर्स में ना जैगरी, गुड़, काले तिल, हमारे सफ़ेद तिल, हमारे मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, साग, मक्खन घर का बना हुआ, ये सारी चीज़ें बड़ी इजीली डाइट में ऐड की जा सकती हैं, और उसके बाद इनको खाने से जो हमारी बॉडी को बेनिफिट्स मिलते हैं वो नेक्स्ट लेवल है। हमारे को समर्स की अलग चीज़ें दी हैं कुदरत ने खान पीन की, और विंटर्स की अलग दी है। मैं पर्सनली विंटर्स वाले पर्सन हूँ, और विंटर्स का जो वेट लॉस का डाइट होता है वो बहुत ईजी रहता है। मेरा जब जब वेट लॉस होता है, जब जब हम मैं मैक्सिमम अपने वेट लॉस पर जाती हूँ, वो है विंटर्स में। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो, मैं रिसेंटली अपनी वेट लॉस जर्नी पर दोबारा आई हूँ आफ्टर फेस्टिव सीजन। आज सुबह का वेट मैंने वहाँ पर अपना स्टोरी में अपलोड किया था, और मैं डेली बेसिस पे अपना जो वेट है वहाँ पे कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। मेरा टारगेट है 55 तक जाना, जो कि मेरी मदर कभी मुझे जाने नहीं देती, बट दिस टाइम आई रियली वांट टू गो ऑन 55। मैं अपने आप को मैक्सिमम लीन देखना चाहती हूँ, एंड मैं कोशिश करूँगी उस 55 पे पहुँचने के बाद उसको मेंटेन करने की। सो अब हम बात करते हैं आपके वेट लॉस जर्नी की। सो आज का जो डाइट है बहुत ही बजट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत ही सिंपल सा है। इसको बनाने के लिए बहुत ही बेसिक कुकिंग चाहिए। अगर आप लोगों को जस्ट लर्नर हो आप कुकिंग में, तब भी कर सकते हो। ये जो हमारा डाइट है ये आप कैरी करके भी लेके जा सकते हो। नेक्स्ट, इस डाइट को फॉलो करने से आपका इजीली लूज हो जाएगा 6.5 से 7 किलो इन अ मंथ।
एंड उसके साथ साथ अगर आप कैलोरी डेफिशिट डाइट पे भी जा रहे हो वेट लॉस के लिए, मेक श्योर आप कुछ कुछ चीज़ें ऐसी पिक करो जिससे आपकी बॉडी को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले, मैक्सिमम चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जाएं और आपकी बॉडी वीक फील ना करे, कमज़ोर फील ना करे एंड आपकी बॉडी लथार्जिक फील ना करे। वेट लॉस करना है बेड पे पड़े रहने के लिए नहीं, फिट रहने के लिए, ताकि आपकी बॉडी की एनर्जी वापस आए। सो विंटर्स में जो अपना डाइट करना है उसके लिए तीन चीज़ों का ध्यान रखना, पानी 3.5 से 4 लीटर मेक श्योर आप लेंगे ही लेंगे एवरी डे। नेक्स्ट आपका स्लीप, 7 से 8 घंटे की नींद कंपल्सरी, मतलब इसके बिना कोई भी डाइट आप मत पिक करिए, मत करिए, आपकी बॉडी सूज जाएगी थकावट से। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अपना वेट अपडेट किसी भी एक पर्सन को दो, किसी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसे सेव करो और अपने करियर पे लगाओ, अपने पे इन्वेस्ट करो, अपने लिए कुछ सेव करके कुछ सामान बना लो, बट मेक श्योर आपका वेट अपडेट किसी भी एक ऐसे पर्सन के पास जाए जो कि आपसे क्वेश्चन पूछ पाए कि ऐसा क्यों, किधर, कहाँ, मील का पिक्चर्स कहाँ हैं। रिसेंटली मैंने एक काम स्टार्ट करा है, उसके बारे में चलो मैं लाइव पे बताऊंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक, और मॉर्निंग ड्रिंक का टाइम हम रखेंगे 7:30 से 8:30 बजे के बीच में। और मॉर्निंग ड्रिंक कैसे बनाना है चलते हैं किचन में, स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक के लिए हमने लिए है अपनी किचन से बेसिक इंग्रेडिएंट जो सबके घर पे मिलते हैं और सबके घर पे इजीली रहते भी हैं। सो सबसे पहली चीज़ मैंने इन तीनों ग्लासेस में डाला है पिंच ऑफ केसर। केसर को आपको लेके आना पड़ेगा, उसका जुगाड़ करना पड़ेगा। उसके अलावा आप तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। एक गिलास पानी में यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है 1 तेज़पत्ता पिंच ऑफ केसर ओवरनाइट के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम इसको गर्म करके छान के पियेंगे, ए पार्ट। बी पार्ट इस ग्लास में मैंने डाला है पिंच ऑफ केसर एंड पिंच मतलब 2 पिंच जितना अजवाइन। इसको ओवरनाइट सोक करा है, सुबह उठ के इसको गर्म करेंगे, छान के हम इसे पी लेंगे। थर्ड पार्ट यहाँ पे मैंने सोक करा है पिंच ऑफ केसर के साथ 2 मोटी काली इलायची। इसको हम सुबह उठ के गर्म करेंगे, छान के एंड पी लेंगे। सो ये रही हमारी मॉर्निंग ड्रिंक। वेलकम बैक जी। अब है सर्दियों की सुबह, और सर्दियों की सुबह में हमें चाहिए गर्म गर्म नाश्ता, बढ़िया सा नाश्ता। जितने लोगों को आलस आता है कि अरे कौन रसोई में जाए, इजी कुकिंग दे दो, वो ये वीडियो अभी स्किप कर दें, क्योंकि यहाँ पे कुकिंग रिक्वायर्ड है। या तो तोन पकड़ो अपनी या फिर कुकिंग करना सीखो। सो हम चलेंगे किचन में और बनाएंगे ब्रेकफास्ट में, बनाएंगे हम सबसे पहला ऑप्शन वन ऑफ माय फेवरेट, मेरी दादी की रेसिपी, मूली और मकई की रोटी। ओके, नाश्ता, नाश्ते के लिए हम बनाने जा रहे हैं मूली एंड मक्की की रोटी। ये रही मेरे पास मक्की का आटा, सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे मकई का आटा लिया है, और ये इससे सिर्फ 2 रोटी बनेगी। और मेक श्योर कि आप ज़्यादा आटा ना गूंध लें, तो कम ही क्वांटिटी में आटा लेंगे। ये रही मेरे पास मूली, सीजन में आई हुई है, और इसको हम ग्रेट कद्दूकस करके मैंने ली है। पूरी 1 मूली डाल दीजिए और मेक श्योर इसका जो वाटर है वो मत निकालना, उसी से हमारा आटा जो है वो हम गूंद लेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हम डाल रहे हैं पिंच ऑफ सॉल्ट, नेक्स्ट पिंच ऑफ हिंग पाउडर, नेक्स्ट पिंच ऑफ अजवाइन, दैट्स इट। हम कोशिश करेंगे इसी के मूली के पानी से ही हम इसका जो आटा है वो गूंद ले, बहुत ही इजी आराम से। अब हम इसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ही थोड़ा सा। सो ये रहा हमारा मूली का एंड मक्की का आटा। अब हम बनाएंगे इसकी रोटी। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है मेरा आटा। नीचे आप कॉटन का कपड़ा लगा लीजिएगा, अदरवाइज़ ये रोटी जो है ये आपकी बेली नहीं जाएगी, और बिल भी गई तो भी आपका ये उतरेगी नहीं। खूब अच्छे से हम इसको बेलने की कोशिश करेंगे कॉटन के कपड़े पे। परफेक्ट। नेक्स्ट ये जो मेरी रोटी है, सी कितना इजीली उतर भी गई। अब इस पर हम पकाएंगे हमारी रोटी। ये नॉनस्टिक तवा है मेरे पास। ये रही जी हमारा नाश्ता। इस तरीके की आप 2 चपाती ले सकते हैं, एंड इसके साथ अगर आपको चाय लेनी आप चाय ले सकते हैं, अगर आपको कर्ड लेना आप कर्ड ले सकते हैं, बट बेस्ट कॉम्बिनेशन है इसका साग के साथ। अगर आपके घर में साग बना हुआ है, पालक का, बथुए का, सरसों का, आप उसके साथ ले सकते हैं।
बट अगर कुछ भी नहीं है तो आप इसको हमारी मिंट की चटनी के साथ भी ले सकते हैं. दिस इज रेडी. सेकेंड ऑप्शन फॉर ब्रेकफास्ट इज ओट्स का चीला. बड़ा सिंपल है, बहुत ईजी है, चलते हैं किचन में. चलिए जी, नेक्स्ट ऑप्शन ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं ओट्स का चीला. ये रहे मेरे ओट्स. इसको आप ब्लेंड करके पहले भी रख सकते हो या फिर अभी जब बनाने लगो तब आप ब्लेंड कर लो. ये रहे ओट्स. ओट्स को हमने कर दिया जी ब्लेंड. ये रहे हमारे पिसे हुए ओट्स. इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले पानी. इसको खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे. थोड़ा सा पानी और. बहुत ही अच्छे. नेक्स्ट अब हम इसके अंदर डालेंगे खूब सारा सामान. पहले तो मैं डाल दूंगी पिंच ऑफ हिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट, भुना हुआ धनिया का पाउडर, पिंच ऑफ अजवाइन, मेरी फेवरेट यहाँ पे है कस्तूरी मेथी. नेक्स्ट अब मैं डालती हूँ इसमें सब्जियाँ. सबसे पहले बेसिक चीज़, हमारे घर पे यहाँ पर प्याज सबके घर पे हैं, हमने डाल दी जी प्याज. नेक्स्ट थोड़ी सी शिमला मिर्ची. नेक्स्ट गाजरे, सीजन में आ रही है गाजर. अभी ऑरेंज मिल रही है, रेड कैरेट मिलनी चालू हो जाएगी. गाजर खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे. बन गया जी हमारा मिक्सचर. अब हम बनाते हैं इसका चीला. सो ये रहा मेरा नॉनस्टिक तवा. हमको छोटा तवा लेना है, हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा लेने का. इसके बाद मैं डाल दूंगी मेरा चीला. देखते हैं हमारा चीला. ओके, वेरी गुड, नाइस. अच्छे से पक गया, अच्छे से हट गया. ओके, देखिए जी, सुंदर. ओके जी, सो ये रहा हमारा ओट्स का चीला और ये बिल्कुल रेडी है. बहुत ही यमी एंड फिलिंग है. एक बारी में आप दो ओट्स का चीला ले सकते हैं. साथ में मैंने रखा है यहाँ पे मिंट का चटनी. नेक्स्ट, मान लो ना आपको मूली और मक्की की रोटी खानी है ना आपको ओट्स का चिल्ला खाना है, अब हम क्या खाएंगे? मेक श्योर आप ओट्स की खिचड़ी ले सकते हो, ये रही उसकी रेसिपी. उसके अलावा आप बीटरूट वाली बेसन और गेहूं की रोटी ले सकते हो, मेथी की बेसन और गेहूं की रोटी ले सकते हो, पालक बेसन और गेहूं की रोटी ले सकते हो. इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो. एक से दो रोटी आप ले सकते हो किसी भी ऑप्शन के साथ. या तो आप मिंट की चटनी ले सकते हो, आप टमाटर की चटनी अपनी ऐड कर सकते हो. अगर आप PCOD पेशेंट नहीं हो देन आप कर्ड भी इसके साथ ऐड कर सकते हो. जिन जिन लोगों को चाय की हैबिट है, मैं चाय नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, इतना कप चाय आप डेली का ले सकते हो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में. मेक श्योर उसके साथ आप किसी भी टाइप का शुगर वाला आइटम मत डालो, ना जैगरी, ना खांड, ना ही शक्कर, ना ही आपका कुछ भी शुगर फ्री या फिर आपका स्टेविया, कुछ भी मत डालना चाय के अंदर. इतनी सी चाय गुड टू गो, चलेगी. नेक्स्ट हम मूव करते हैं मिड ब्रेकफास्ट पे. मिड ब्रेकफास्ट में अब हम चलते हैं किचन में और हम बनाएंगे अपने रागी, जैगरी और तिल के लड्डू. 2 मिनट का काम है, चलते हैं किचन में. चलिए अब हम बनाने जा रहे हैं रागी के लड्डू. रागी और जैगरी का लड्डू मिड ब्रेकफास्ट के लिए. ये रहा मेरे पास रागी का आटा. इसको मैं खूब अच्छे से इसमें भून लूँगी. मेरा थोड़ा सा आटा और दे दे इसमें, आधी कटोरी जितना. इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 कटोरी जितना रागी का आटा. इससे हमारे 10 लड्डू बन जाएंगे. अगर आप 7 डेज के लिए बना रहे हो देन 1 कटोरी ही रखिएगा. गैस थोड़ा तेज़ करेंगे, खूब अच्छे से इसको हम भूनेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए. और मेक श्योर आपके करछी जो है वो चम्मच जो है आपका वो चलाते रहिए. अच्छे से हम इसको भूनेंगे, बहुत अच्छे से. ओके, अच्छे से भुनने के बाद ये है मेरे पास शक्कर. आप जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं. ये मैंने डाल दिया 1 कटोरी जितना हमारा शक्कर. खूब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, खूब अच्छे से. और गैस अब हम कर देंगे बंद. इसके अंदर अब हम डाल देंगे
वाइट तिल, सफेद तिल। नेक्स्ट अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा देसी घी, चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच, जितने में ये बाइंड हो जाए। मैं यहाँ पे छोटे मेरी चम्मच है, देखा जाए तो मैं यहाँ पे दो बड़े चम्मच देसी घी ऐड कर रही हूँ। खूब अच्छे से इनको मिक्स करेंगे हम। अब इसके अंदर मैं एक चम्मच घी और ऐड करूंगी। हमारा जो लड्डू थे वो बन नहीं रहे थे, हमने एक मेथड लगाया था यहाँ पर। जब आपका लड्डू बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए, मैंने बिल्कुल इतने थोड़े से पानी में थोड़ी सी जैगरी और ऐड करके लड्डू के अंदर डाली है। तो अगर आपके लड्डू अच्छे से बाइंड नहीं हो रहे हैं, थोड़े से पानी में थोड़ी सी जैगरी डाल के आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, उससे आपका जो लड्डू है वो बिल्कुल ईजिली बन जाएगा। ये लगाया मैंने हाथ पे घी और ये ले लिया मैंने हमारा बैटर। ये बन गया हमारा जैगरी लड्डू। सो ये रहे हमारे लड्डूस। इसको आप फ्रिज में लगा सकते हैं, एक वीक के लिए बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। एंड प्लस पॉइंट इज ये जो लड्डूज हैं ये आपके हेयर फॉल में बहुत हेल्प करेगा एंड पीरियड्स पेन में भी। वेलकम बैक जी, वन ऑफ माय फेवरेट लड्डू एंड ट्रस्ट मी इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन पे ग्लो बहुत अच्छा आएगा, पूरे दिन एनर्जी बरकरार रहेगी, वीक फील नहीं करोगे। सुबह अच्छे से खाओ, अच्छा खासा खाओ, एक विंडो होती हैवी मील खाने की। अब हम बात करते हैं लंच की। लंच के लिए हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं पालक और अंडे का ऑमलेट। ओके जी, लंच के लिए हम बनाने जा रहे हैं हमारा स्पिनच पालक वाला ऑमलेट। ये लिया मैंने यहाँ पे दो तीन बूंदे हमारी घी की, तवा हमारा गरम हो रहा है। सबसे पहले इसमें डाल देंगे हम प्याज, फिर उसके बाद मेरे पास है ताज़ी कटी हुई धुली हुई पालक। सो यहाँ पे हम डाल देंगे हमारी पालक, पकने देंगे जी, पकने देंगे। यहाँ पे मेरे पास है टू एग्स विथ योक, येलो पार्ट बिल्कुल नहीं निकालने का, ये हमने यहाँ पे डाल देना है। बढ़िया, इसके ऊपर हम छिड़केंगे हमारा नमक। एंड थोड़ी सी हमारी कस्तूरी मेथी, दैट्स इट। इसको हम पकने देंगे अच्छे से। तो हियर इज द ऑमलेट, ये रही हमारी चटनी एंड ये है लंच। वेलकम बैक जी, जो जो लोग वेजिटेरियन है जी, अंडे हम नहीं खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मत खाओ। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे दाल की सैलेड्स। बहुत सारी दालें हम सबके घर में मिलती है, ब्लैक चना भी मिलता है, वाइट चना मिलता है, मूंगे की दाल मिलती है, साबुत मूंग मिलता है, हरा मूंग मिलता है, हर तरीके की दाल हमारी जो मम्मा लोग हैं घर में स्टोर करके रखती है। खीरा, प्याज, टमाटर तो आप सबके घर पे होता होगा। मेरे चैनल पे बतेरी दाल सैलेड की रेसिपीज है, इनमें से कोई भी सैलेड पिक करो और गुड टू गो, आपका लंच बन गया। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सारी सैलेड्स ना कैरी की जा सकती हैं। मेक श्योर कि अगर आप बाहर निकल रहे हो, कहीं काम पे जा रहे हो और आपको आपका लंच जो है वो कैरी करना है, उबली हुई दाल जो है वो अलग हम कैरी करेंगे, हमारी सैलेड की चीज़ें अलग कैरी करेंगे। खाने से पहले हम आपस में एक दूसरे को मिक्स करेंगे, आप एक साथ मिक्स करके जाओगे वो पानी छोड़ देगा और आपसे खाया भी नहीं जाएगा। सो फिर आएगा, चलो मेरे मेंबर्स तो मुझे कॉल करते हैं, फिर आप लोग क्या करोगे, सबवे ऑर्डर करोगे या फिर कुछ भी, अपनी डाइट खराब करोगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की। इवनिंग टी के अंदर मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था, पील टी, दिस इज अ पील टी, इतना बढ़िया रिजल्ट देगा आपको, इतना बढ़िया रिजल्ट देगा। इसके साथ क्या लेंगे, जो जो लोग फ्रूट्स खा सकते हैं, चीकू, पियर, गुआवा, गुआवा अगर अमरूद आप खा रहे हो, मेक श्योर उसके सारे बीज निकाल देंगे। एंड उसके अलावा भी अगर आप फ्रूट्स नहीं ले सकते हो, कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले लो, पाइनएप्पल ले लो, पपाया ले लो,
कोई भी फ्रूट आप शाम को पील टी के साथ ले सकते हैं, बट अगर आप फ्रूट्स ले ही नहीं सकते, फ्रूट नहीं है आपके पास और नहीं है हिम्मत बाहर जाने की, आपके घर में भुना हुआ चना होगा, मुट्ठी भर भुना हुआ चना ले लिया, वो भी नहीं है तो मुट्ठी भर मुरमुरा ले लिया। सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो बेसिक आपके घर में होती हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं ना जिनके घर में हमेशा पास्ता की सॉस होती है, मेयोनीज पड़ी रहती है, इसी तरीके से जो फिटनेस और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना उनके घर पे मखाना, भुना चना, मुरमुरा हमेशा पाया जाता है। मेक श्योर कि इन सब के अंदर आप किसी भी टाइप का कोई सॉल्ट नहीं डालेंगे इवनिंग में। डिनर के अंदर ना दो चीज़ें आती हैं, डिनर तक आते आते बंदा अपना मोटिवेशन लूज करता है कि यार चलो आज खा लेते हैं, कल से डाइट रेगुलर कर लेंगे, अब खा लेते हैं, परसों से कर लेंगे, इतने से कुछ नहीं होता, उस बाइट से कुछ नहीं होता, इतनी पनीर से कुछ नहीं होता, इतनी चीज़ों से कुछ नहीं होता। ये सब ना एक टू बी ऑनेस्ट ड्रामेबाजी वाली चीज़ें हैं, सच बता रही हूँ मैं आपको ना। बट अगर जिस जिस बंदे को पता है कि यार मेरा टारगेट ये है, मुझे इतना वेट लॉस करना और मुझे यहाँ तक अपनी जर्नी कवर करनी है, मैंने की है अपनी जर्नी कवर एंड बहुत सारी दिक्कतों में करी है, आई एम श्योर आप लोगों ने मेरा जोश टॉक सुना होगा, मेरी किसी भी जर्नी की किसी भी फेज में मैंने डिनर में कोई भी गोचीबाजी नहीं करी है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग सेम फ्रॉम यू गाइज। सबकी लाइफ में पंगे हैं, सब लोग स्ट्रेस में हैं, किसी की लाइफ इजी नहीं है, हम सब स्ट्रगलर हैं, हम सब सर्वाइव कर रहे हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी स्ट्रेस से। मेक श्योर ये सारा स्ट्रेस आपके खाने पे और डिनर पे ना निकले। सो डिनर में हम बनाएंगे वेजिटेबल सूप और वो कैसे बनाना है चलते हैं किचन। चलिए जी हम बनाने जा रहे हैं डिनर। डिनर के लिए हमारे पास है घिया, हम बना रहे हैं वेजिटेबल सूप। ये मैंने ले लिया इतना घिया, हाफ घिया हमने लेना है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया सूप बनेगा, मुंह मत बनाना घिया का नाम सुन के जी। चलिए जी यहाँ पे अब सूप की सामग्री हम दिखाते हैं आपको। ये रहा मेरे पास आधा प्याज, बड़ा प्याज था मैंने हाफ यूज़ करा है, एक टमाटर बिना बीज का, आप देखो मैंने बीज निकाल दिए। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा आधा घिया। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है दाल, मेरी येलो मूंगफली दाल, और ये मेरे पास दो चम्मच जितने मैं दाल जो है वो यूज़ कर रही हूँ, जस्ट टू स्पूंस, वन स्पून, वन एंड हाफ ले लीजिए, दैट्स इट। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा एक चम्मच जितना ओट्स। अब बनाएंगे हम सूप। यहाँ पे मेरा जो पानी है वो उबल रहा है मेरे प्रेशर कुकर में, इसके अंदर मैं ये सारा सामान डाल दूँगी, खूब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। दो गिलास पानी डाले हैं मैंने इस प्रेशर कुकर के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा हल्दी पाउडर, मेरा पिंच ऑफ सॉल्ट, कोशिश करना सॉल्ट को अवॉइड करने का, काफ़ी लोग नहीं कर पाते इसलिए मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, बट अगर ये मेरा डिनर है तो मैं इसमें सॉल्ट बिल्कुल हटाऊंगी, बट यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाला है। बट मैं आपको यही बोलूँगी यहाँ पे सॉल्ट अगर जितना अवॉइड कर सकते हो डिनर में उतना अवॉइड करना बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। नेक्स्ट हम इसको विसल कराएंगे, दो विसल तेज़ आँच पे, तीन विसल सिम आँच पे, और उसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। ओके सो ये जो हमारा है मैक्सिमम कुक हो चुका है, अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। सॉरी यहाँ पे सारा मेस दिख रहा है आपको, बट यस अब हम इसे करेंगे ब्लेंड। हियर वी गो एंड द सूप इज रेडी। शक्ल पे मत जाना, ये वेजिटेबल सूप बहुत ही यमी है, ट्रस्ट मी, बहुत सिंपल है, तीन से चार सीटियाँ लगाई और ख़त्म। बट जिन जिन लोगों को सूप ही नहीं लेना, भैया हमको सूप नहीं पीने का मन, हम नहीं पीना चाहते, पनीर भुर्जी मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी है, बहुत ही ईजी है बनाना, ये हम ले सकते हैं। बेसन बैंगन ये रहा, बहुत ही अच्छा रेसिपी है स्पेशली फॉर विंटर्स। नेक्स्ट कैप्सिकम रोल, कैप्सिकम सबके पास मिलती है, शिमला मिर्ची बड़ी अच्छी आ रही है इस समय मंडी में, और पनीर और आलू की स्टफिंग करो और रात को एक कैप्सिकम रोल खाओ बढ़िया सा, और भूख भी हटी, क्रेविंग भी हटी, ज़्यादा क्रेविंग है थोड़ी सी अमचूर पाउडर डाल लो। नेक्स्ट टमाटो सूप, नेक्स्ट पम्पकिन सूप, और अगर कुछ भी खाने का मन श्रद्धा नहीं है जी भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं खाना, थके हुए हैं ना कुछ बनाना है, दो मिनट लगेंगे, किचन में जाओ और अंजीर का मिल्क बनाओ। अंजीर अब बहुत महंगा आता है, जिन जिन लोगों को अंजीर नहीं अफोर्डेबल है, नहीं सूट करता, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, मेक श्योर आप हल्दी मिल्क ले लीजिए। सिंपल है, एक गिलास दूध उबाला, उसके अंदर पिंच ऑफ हल्दी पाउडर डालो और थोड़ी सी अदरक कद्दूकस करके डाली और वो पी गया। ये रही हल्दी मिल्क की प्रॉपर रेसिपी, ये है पूरा एंटायर डाइट। रात में गड़बड़ होने के चांसेस तब आते हैं जब आप लेट सोते हो। 7:30 बजे डिनर करा, 10 बजे के करीब अपनी नाइट ड्रिंक ली, 9:30-10 के बीच में,
नाइट ड्रिंक क्या लेंगे? नाइट ड्रिंक यहाँ पे लेंगे हम जीरा टी। पिंच ऑफ जीरा 2 कप पानी में उबालेंगे, जब तक 1 कप हो जाएगा छान के उसे पियेंगे। और 10:30 बजे तक मेक श्योर फोन मोन सब साइड करके आप सो चुके हो, आप एकदम गायब हो, नींद आराम से सो चुके हो, तभी जाके आपका जो डाइट है वो सफल हो पाएगा। अगर आप सो रहे हो 11:30, 12 बजे, 7 बजे का आपने डिनर कर रखा है, ऑफकोर्स ह्यूमन बॉडी है, आप लोग सब इंसान हो, भूख तो लगेगी ही लगेगी। सो दैट्स इट अबाउट दिस डाइट गाइज। मेक श्योर आपका इस विंटर में वेट लॉस हो जाना चाहिए, मुझे बिफोर एंड आफ्टर के पिक्चर्स चाहिए आपकी। मैं हैप्पी, आप हैप्पी, मैं अपने वेट लॉस का पूरा अपडेट देती रहूँगी ऑन माई इंस्टाग्राम। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए देन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। इसके अलावा अपने पे थोड़ी दया खाओ, अपनी बॉडी पे दया खाओ, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की पेंडिंग है रिलेटेड टू वेट लॉस। वेट लॉस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपकी डिपेंड है, वेट लॉस हो जाएगा तो ये करेंगे, तो ऐसे करेंगे, तो वैसे करेंगे। अपनी रिपोर्ट्स ठीक करो और अपनी बॉडी पे थोड़ी सी दया खाओ, थोड़े से मतलब ही बन जाओ अपनी बॉडी को लेकर, बहुत अच्छी चलेंगी चीज़ें। दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो गाइज, आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टेक केयर जी, बाय बाय।